हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ मूंग दाल के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, ऑथेंटिक जो राजस्थान का फेमस है वो, जिसके लिए मैंने एक बड़ा कप मूंग दाल को रात को भिगो दिया था। अभी इसके हम छोड़े निकालेंगे। गाइस, आप देख सकते हो मैंने दाल के छोड़े निकाल दिए। अब मैं इसे मिक्सी में पीसूंगी पानी डाले बिना। हमें मोटा गाइस, आप देख सकते हो अभी हुई नहीं है हमारी पेस्ट जैसी दाल, थोड़ा और पीसेंगे हम। गाइस, हमारी दाल पीसकर रेडी है। बहुत स्मूथ पेस्ट हमें नहीं बनानी, थोड़ी दूर दरदरी रखनी है। गाइस, यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर ली है और उतना ही पानी लिया है, और इसे अब गर्म करने के लिए रखा है। हमें ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें मेल्ट शक्कर हो जाए और उसके बाद थोड़ी सी और यहाँ पर मैंने एक घी लिया है एक पैन में, और जो हमने दाल की पेस्ट बनाई थी वो डालेंगे इसमें। थोड़ा हिलाते रहना है, अच्छे से सेकना है इसे। आप देख सकते हो गाइस, ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें सेकते रहना है। अब चाशनी में हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है, और इसे हिलाए थोड़ा। एक टार्निश कलर, मेरी दादी ये रेसिपी से बनाती थी हलवा, हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद आता था, तो यही रिवाज है, इसी तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। और वो बेसिकली राजस्थान की है, तो प्रॉपर ऑथेंटिक टेस्ट आएगा इसमें राजस्थान का। गैस अब हम गैस को बंद कर रहे हैं, ये हो गया है। ज़्यादा लगेगा भुनने में, जैसे हम सूजी का सीरा बनाते हैं वो जल्दी ही भुन जाता है, वो ये हमने दाल रात को भिगा के रखी थी इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो ये इजीली बन जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसे सेकने में। इसका मेजरमेंट भी बहुत ही इजी है, याद रखना। अब जितनी दाल लेते हो, जैसे कि हमने 1 कप दाल ली थी, तो 1 कप हमने चाशनी के लिए शक्कर ली है, उतना ही पानी लिया है और उतना ही घी लिया है, तो सभी इक्वल अमाउंट में हमने लिया है। हमें लगातार इसे सेकते रहना है, इसे छोड़ के कहीं पर भी मत जाना वरना ये जल जाएगा। गाइस, आप देख सकते हो उसका कलर चेंज हो गया है भुनते भुनते, और साइड में घी भी छूटने लगा है। मस्त दानेदार हलवा बनेगा इससे, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व करें। ये देखो गाइस, ये पूरा सिक गया है, तकरीबन हमें 15 मिनट लगे थे, ये ब्राउन हो गया है, उसका मतलब कि ये हो गया है सिककर। चाशनी डालते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि गैस को आप एकदम स्लो मीडियम पर स्लो पर रखें। ताकि ये उछले नहीं। एक मिनट तक हमें सिर्फ इसे हिलाना है ताकि ये चाशनी अच्छे से घुल मिल जाए। ज़्यादा मत करना वरना चाशनी चढ़ जाएगी। अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। अभी हमने बादाम ली है, वैसे तो बादाम ही अच्छी लगती है इसमें, और इलायची पाउडर डालेंगे। गाइस, हमारा मूंग दाल का हलवा बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। हमारा हलवा बनकर रेडी है, आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि कैसा बनाएं। एंजॉय करें घर पर ही शादियों वाला हलवा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।